अब आप डॉक्टर संजीत फोगाट को फॉलो कर सकते हैं इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अन अकेडमी पर। डिफरेंट स्टाइल के वीडियोस के लिए डाउनलोड करें अन अकेडमी लर्निंग ऐप और फॉलो करें डॉक्टर संजीत फोगाट को। अन अकेडमी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, मींस इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो चाहे आप आयनिक कंपाउंड कहें या आप इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहें, ये एक ही बात है। एक बात और आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो एनसीईआरटी में जैसे दो एग्जांपल दिए हैं, तो एनसीईआरटी का तो एक भी वर्ड आपने छोड़ना नहीं है। तो इसमें जैसे सबसे पहले इसने बताया कि NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड मीन्स कॉमन साल्ट। ये कैसे बनता है? ये एक आयनिक कंपाउंड है या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो देखते हैं इसकी क्या कहानी है। ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो अलग अलग शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को भरना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये आपने पढ़ लिया होगा, 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, एक बच गया, एक यहाँ है 1। अब ये देखिए, ये है सोडियम एटम। अब कोई भी एटम तब सेटिस्फाई होता है जब उसका सबसे बाहर वाला शेल भरा हुआ हो, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, मींस 8 इलेक्ट्रॉन उसमें हो। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये कहीं से भी 7 इलेक्ट्रॉन ले तब यहाँ 8 हो जाएंगे, या फिर क्या करे, इस एक को भी यहाँ से छोड़ दे। अगर इसको छोड़ देता है तो फिर ये शेल जो है भरा हुआ बच जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी लेना इसके लिए आसान नहीं है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैंने माइनस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव। क्यों बनेगा आप ये भी जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं। अगर मैं केवल चार्ज की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। चार्ज कैसा होता है, माइनस, जो अज्यूम्ड है। प्रोटॉन पर कैसा है, पॉजिटिव, इतना ही है, प्लस 11। आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, लूज कर दिया सोडियम ने, तो क्या हुआ, माइनस 10। प्लस के कितने रह गए, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर हैं, वो तो कहीं जाएंगे नहीं, तो एक ज़्यादा रहेगा, तो आंसर आपको प्लस 1 आएगा, तो प्लस 1 कर दिया मैंने। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता, 3 छोड़ता तो 3 पॉजिटिव आता, एंड सो ऑन। तो ये जो अब आया है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने पॉजिटिव चार्ज वाला, इसको कैटायन कहते हैं। तो इसका नाम क्या है, सोडियम कैटायन। तो सोडियम एटम से सोडियम कैटायन की फॉर्मेशन हुई। अब देखते हैं क्लोरीन के यहाँ क्या चल रहा है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो शेल में आप भरेंगे 2, 8, 7। अब ये कब सेटिस्फाई होगा, ये क्या कोशिश करेगा कि बाहर वाला जो ऑक्टेट है वो भरा हुआ हो, 8 हो। तो इसके पास भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले तब कितने हो जाएंगे, 8, या इस 7 को छोड़ दे फिर यहाँ कितने बचेंगे, 8। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना आसान नहीं है, इसलिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मीन्स ये क्या बनाएगा, Cl माइनस। तो हुआ कुछ यूं कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, ये इसको छोड़ना चाहता था, क्योंकि मेटल्स की हमने डेफिनेशन भी यही पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव आयन बना लेते हैं वो मेटल्स होते हैं। और क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक की ज़रूरत थी, तो सोडियम क्या करेगा कि ये ले वे एक इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ और तू अपनी ज़िंदगी जी ले। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसने लिया इस पर चार्ज आया नेगेटिव। आप जानते हैं कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें बनेगा और NaCl की फॉर्मेशन होती है। ये तरीका है। और फोर्सेज ये कैसे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेज होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज कहलाते हैं। तो इसमें NaCl में ये आयनिक कंपाउंड है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, क्लोरीन ने ले लिया है। कोवेलेंट बॉन्ड में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा कि एटम की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है एटम्स के बीच में, तो वो दोनों के शेयरिंग मीन्स उनकी साझेदारी होगी, दोनों का बराबर का हक उनके ऊपर है। लेकिन इसमें क्या होगा, आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, एक बार इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने ले लिया, अब दोबारा सोडियम ये नहीं कहेगा कि भाई मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया था और मेरा वापस दे ना, इसको मिलेगा। तो ये आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि ये साझेदारी का नहीं है, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज से ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम जानना चाहते हैं MgCl2 की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो MgCl2 की फॉर्मेशन पर चलते हैं। ये है Mg, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर है 12 मीन्स 282। इधर है क्लोरीन, क्लोरीन का तो वही सिस्टम है 17 एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स, कैसे भरेंगे 287। तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलेंगे नहीं 8 करने के लिए, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा। तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनको ये लूज करना चाहता है, इसने इनवाइट किया क्लोरीन को कि भाई आ जाओ मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, आपको ज़रूरत है, मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। एक क्लोरीन यहाँ आया, इसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया। अब इस मैग्नीशियम को गुस्सा आएगा, ये क्लोरीन को कहेगा भाई ये क्या कर दिया, मैंने तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने थे, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, एक इलेक्ट्रॉन तो मैंने आपको दे दिया, अब दूसरे का मैं क्या करूं, मुझे ये भी लूज करना था। तो ये इसको कहेगा अपने जैसा एक और लेकर आओ ताकि मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दूं, तो ये एक और क्लोरीन आएगा, ये दूसरा इसको चला जाएगा, तब इलेक्ट्रॉनिकली ये बैलेंस होंगे। तो एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए 2 क्लोरीन को बुला, जिससे क्या बनेगा Mg2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये Cl नेगेटिव, इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होकर क्या बनेगा MgCl2। ये तो हुई डिटेल की बात। अब बिना डिटेल के वैसे तरीका हमने क्या पढ़ा है 9th में, वैसे जनरल क्या होता है, जब भी फॉर्मूला बनाना हो तो Mg और Cl दोनों लिखे, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, इसकी 7 में 1 की जरूरत है तो इसकी वैलेंसी है 1, यही होता है फॉर्मूला बनाने का तरीका। तो फिर वैलेंसी एक्सचेंज करते हैं, इसकी इसके नीचे, इसकी इसके नीचे, तो इसकी है 1 और ये क्या आया 2, इसलिए क्या बनता है MgCl2। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CaF2 मान लिया, ये बनाना हमने CaF2, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, फ्लोरीन का कितना होता है 9, 20 का मतलब है 2 है इसके आखिर में भी, फ्लोरीन है 2 एंड 7, इसको 1 की ज़रूरत है। फिर वही होगा, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन यहाँ आया अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो कैल्शियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, अब उसके 8 हो गए, इसको छुटकारा मिल गया। लेकिन इसके पास एक और भी है, तो ये फिर वही बात कहेगा, फ्लोरीन को कहेगा भाई अपने जैसा एक और लेकर आओ, तब बात बनेगी। फिर एक और फ्लोरीन आएगा जिसके पास 6, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले ही, एक इसको मिलेगा, जिससे ओवरऑल ये बनेगा Ca2 पॉजिटिव, F नेगेटिव, इनमें अट्रैक्शन होकर बनेगा CaF2। अब देखते हैं ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इस तरह के जो बने हुए, इनको आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या मुख्य गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, सबसे पहले जैसे है फिजिकल स्टेट, कि आयनिक कंपाउंड्स फिजिकली कैसे होंगे देखने में, फिजिकल स्टेट में। तो आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड्स होते हैं फिजिकल स्टेट, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ ही लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, तो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेज इनमें होते हैं,
और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने के कारण मॉलिक्यूल्स इनके बहुत नज़दीक आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स अगर नज़दीक आएंगे तो वही चीज़ क्या होती है, सॉलिड होती है। तो ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ऊपर हमने लिख लिया कि इनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेज हैं। अगर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं, इट मीन्स इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेंगे आपको, ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि मेल्ट या बॉयल तो वो तभी होगा जब वो बॉन्ड टूटेंगे, और वो स्ट्रॉन्ग हैं तो तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट हमें देनी पड़ेगी, मीन्स उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी क्या है, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं, देखो केमिस्ट्री का, साइंस का ये रूल है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वैसे में घुलता है। तो आयनिक है तो ये आयनिक के अंदर, या पोलर कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव जिसमें पोल्स बनते हैं, उसमें तो ये ज़्यादा सोल्यूबल होंगे, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कम सोल्यूबल होंगे। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूँ तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, एच पॉजिटिव, एच नेगेटिव, या आगे आप प्लस वन टू में पढ़ेंगे कि किस तरह ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, मीन्स ये है कि उसमें पोल्स यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और अगर ऐसा है तो ये वाटर के अंदर, क्योंकि आयनिक में भी ऐसा ही है, तो ये वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल है। अगर ऑर्गेनिक सोलवेंट्स आप लेते हैं, अब ऑर्गेनिक है कोवेलेंट, ऑर्गेनिक सोलवेंट्स, चाहे आप पेट्रोल ले लें या आप बेंजीन ले लें, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनके अंदर क्या होगा, ये कम सोल्यूबल होंगे, लेस सोल्यूबल होंगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि इनके अंदर चार्ज्ड आयन्स हों, क्योंकि चार्ज्ड आयन्स होंगे और उन चार्ज्ड आयन्स की मूवमेंट होगी तभी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मीन्स चालकता, चालकता तभी तो आएगी जब कुछ चलेगा, यानी कि फ्री टू मूव होना चाहिए। तो आयन्स जो चार्ज्ड आयन्स हैं, अगर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं तो हम कहेंगे वहाँ पर कंडक्टिविटी है, वरना नहीं है। अब सॉलिड स्टेट की अगर बात करें, जब आयनिक सब्सटेंसेस सॉलिड हैं तो इनमें कंडक्टिविटी नहीं होती है, सॉलिड स्टेट में दे आर नॉट कंडक्टर्स, क्योंकि वो आयन्स बंधे हुए हैं, बिल्कुल फिक्स हैं। लेकिन अगर इन्हीं की आप मोल्टन स्टेट ले लेते हैं, मोल्टन मीन्स पिघला दो आप इनको, या इनको एक्वस पानी के अंदर मिला दो, तो मोल्टन या एक्वस स्टेट है तो फिर क्या होते हैं, ये अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं। और ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन्स, क्योंकि आयन्स की मूवमेंट होगी। जैसे आप इनको मोल्टन स्टेट में लेकर जाएंगे या एक्वस स्टेट में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, आयन्स बनेंगे। इलेक्ट्रोड जो हम लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे NaCl ही आपने लिया और इसको आपने मोल्टन या एक्वस स्टेट में लिया, तो क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रोड हम लेंगे जिनमें एक होती है कैथोड और एक का नाम क्या है, एनोड, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर पॉजिटिव। तो जैसे ही हम मोल्टन स्टेट में आप NaCl आपने लिया तो टूट के क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला है ये तो नेगेटिव की तरफ, यानी कि ये कैटायन है, कैटायन कैथोड पर जाएगा, एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पर। इस तरीके से की बातें होती है, यानी कि मोल्टन या एक्वस स्टेट में क्या होगा, आयन्स प्रोड्यूस होंगे और वो फिर कंडक्ट यानी कि फ्री टू मूव हैं, तो वहाँ पर फिर कंडक्टिविटी होती है। तो ये कंडक्टर्स हैं मोल्टन और एक्वस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं।